राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। लखनऊ में सड़क पर भरे पानी को लड़की पर उछालने और बदसलूकी करने की घटना के बाद सरकार ने गुरुवार 1 अगस्त को 2 आईपीएस, 1 एसीपी को हटा दिया। इसके बाद प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया। यह मामला विधानसभा में भी उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरे पास पूरी लिस्ट आई है। पहला अपराधी पवन यादव, दूसरा मोहम्मद अरबाज। सपा का नाम बिना लिए कहा कि ये आपके सद्भावना वाले लोग, हम उनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे क्या? इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, अब आप चिंता मत करो। घटना 31 जुलाई की है। शाम 4 बजे लखनऊ के ताज होटल के पास मरीन ड्राइव पर पानी भरा था। इसमें 25 से 30 लड़के हुड़दंग कर रहे थे। इसी दौरान लड़की दोस्त के साथ बाइक से गुजरी। लड़की को देखते ही हुड़दंगियों ने पहले उस पर पानी उछाला। लड़की का दोस्त हाथ से इशारा कर समझाता रहा, लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी। लड़की को बचाने के लिए वो बाइक से उतरने की कोशिश करने लगा। हुड़दंगियों से बचने के लिए लड़की भी बाइक से पानी में गिर गई। गिरने के बाद आरोपियों ने लड़की को बेड टच किया। इस दौरान हुड़दंगियों ने हुटिंग भी की। घबराए लड़के ने किसी तरह भरे पानी में बाइक उठाई और दोनों वहां से चले गए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।